नमस्कार। जिंदगी में किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है अगर आप सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में सीखना हमेशा जारी रहता है और इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। कैसे, कब, कहां आगे बढ़ें और किन चीजों से दूरी बनाकर रखें ताकि हमको हमारे लक्ष्य से कोई भटका ना सके। तो यही सारी तैयारी हम करते आए हैं और आज भी हम यही तैयारी करेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम समझने जा रहे हैं 10 मई के आप सबके दिन को, यानी आज का दिन आप सबके लिए कैसा रहेगा और कैसे जीना है इस दिन को आपको। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ राशिफल बताना हमारा मकसद कभी नहीं होता। हम कर्म पर यकीन रखते हैं क्योंकि ज्योतिष कर्म पर आधारित है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए आज का दिन और इस दिन के लिए टिप्स। मेष राशि वालों को रिश्तों को बहुत प्यार से संभालने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हुए फासलों को समय रहते थामना होगा और अपने मन में भी शांति बनाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? जो भी मतभेद के कारण रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश कर लें। जो भी नुकसान की परिस्थितियां रही हैं उन्हें भी एक एक करके संभाल लें। बार बार बनते हुए इस उतार चढ़ाव से तो बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? किसी भी तरह के नए रास्ते पर चलने का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। लोग भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें भी मना करना होगा, उन्हें नाराज ना करें। वृषभ राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो उसका असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर आ सकता है। इसलिए जो भी आप कोशिश कर रहे हैं उसमें केंद्रित होना होगा, चाहे वो कोशिश रिश्तों को संभालने की हो या पैसों को संभालने की। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों को संभालना बहुत जरूरी है। अपनों की आलोचना को भी समझने की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करते हुए अपनों से तालमेल भी बनाए रखना होगा। क्या न करें इस समय में? चाहे मित्र हो या आपके रिश्ते नाते, अपने व्यवहार में कोई प्रबलता ना दिखाएं। अपनी बात इस रूप से कहें कि लोग आपसे कहीं किनारा न कर लें। तो सही बात ही, कभी कभी अगर गलत तरीके से कही जाए तो लोग उसे समझते नहीं है। इसका आपको ख्याल रखना है कि बात को कैसे रखना है। फिलहाल हमारे सामने एक सवाल आया है जिनका, नीरज गोयल, आपका सवाल हमारे सामने है। चूंकि आपका सवाल ताल्लुक रखता है संतान से, इसीलिए आपने अपनी पत्नी की डिटेल्स भी भेजे हैं। तो इस सवाल का जवाब ज्योतिष गुरु, जैसा कि शास्त्रीय तरीका है, पत्नी की कुंडली के आधार पर ही दिया जाता है। तो हम उनके डिटेल्स ले रहे हैं। हिमाक्षी उनका नाम है। 6/9/1991, 1:30 AM इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 2015 में ज्योतिष गुरु शादी हुई थी, लेकिन संतान सुख अब तक नहीं मिला है। ये सुख कब तक है इनके जीवन में? हिमाक्षी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2018 तक। जुलाई 2015 में आपकी शादी हुई, संतान सुख अभी मिला नहीं है। लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं शादी को। संतान सुख का योग बनता है जी अक्टूबर 2018 में। तो आप व्यर्थ में बहुत ज्यादा चिंता मन में लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होगा, भरोसा रखें। तो अक्टूबर नवंबर 2018 में ये सुख आपको मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले जितनी भी शंकाएं आपके मन में हो उनको दूर कर दीजिए, ये सुख मिलेगा। बहुत निश्चिंत रहिए आप इस चीज के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आगे बढ़िए, भगवान सब अच्छा करेगा आपके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आने वाले पलों में और आपको उसके मुताबिक क्या है करना और किससे है बचना। मिथुन राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिशों को और बेहतर करना होगा। उसके लिए अपने मन में उठते हुए तूफान को भी थामना पड़ेगा। खुद पर थोड़ा सा भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में जितना हो सके स्थिरता बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने मन को भी बहुत शांत कर लें और अपने हालात को समझ लें, तभी जाकर आपके लिए वो लाभ की स्थिति बन पाएगी जैसे कि आप चाह रहे हैं। क्या ना करें समय में? कोई बड़ा कदम ना उठाएं और कोई बड़ा फैसला ना करें, ऐसा कुछ ना कहें जिसके चलते आपके हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएं। कर्क राशि वालों को अगर घर परिवार में सुख बनाए रखना है तो अपने मन को बहुत शांत करना होगा। अपनी परेशानियों को अपनी जुबान पर लाएंगे तो बात बिगड़ेगी, इसलिए जितना संभव हो सके अपनों की बात का मान जरूर रखें। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर के रास्ते आपके लिए इस रूप से खुले रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर सके, मेहनत भी काम आएगी और जिस रूप से भी आप कम्युनिकेट करेंगे उससे भी फायदा होगा। ज्योतिष को मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए, इससे फायदा होगा।
क्या ना करें समय में, वैसे भी अपनी स्थिति का आंकलन पैसे के आधार पर ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपको कोई शिकवा नहीं होगा, इसलिए अपने हालात को किसी भी कमी की नजर से बिल्कुल ना देखें। एक आदत सी बन जाती है, कुछ भी क्यों ना मिल जाए हमें हर हाल में कमी ही नजर आती है। यहीं पर हमारी सोच हमें परेशान करती है, जो मिलता है उस बारे में भी सोच लेना चाहिए, अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। सिंह और कन्या राशि आपके लिए देखते हैं कि कैसे आपके अंदर की उस सकारात्मकता को हमें जगाना है, और उसके लिए जरूरी है आप तक ये पहुंचाना कि आप क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वालों की कोशिशें प्रबल हैं, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा। कुछ आपकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है जो आपको पूरी तसल्ली भी नहीं दे पा रही, यही कारण है कि आगे बढ़ने में कई तरह की रुकावट है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी काबिलियत को भी समझ लें और अपनी सीमाओं को भी समझ लें। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, उन बातों को समझते हुए अपनी ओर से नियमित हो जाने में फायदा है। क्या ना करें समय में, कामकाज को इतना बढ़ाने की कोशिश ना करें कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। अपने ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारियां लें जिन्हें आप एक एक करके निभा सके। अपनी उम्मीदों को बहुत ज्यादा बढ़ा लेना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले अगर परेशानियों का ही सोचते रहेंगे तो परेशानियां आपको घेरे ही रहेंगी। किसी भी बातचीत में या विचार विमर्श में थोड़ा सा आशावादी नजरिया बनाए, ताकि आप अच्छी बात ही करें और अच्छी बात ही लोगों से सुने। क्या करना चाहिए समय में, अपनी सूझबूझ बनाए रखने के लिए अपने माहौल को बेहतर करना बहुत जरूरी है। आपके साथी, आपके सहयोगी किस रूप से आपसे जुड़ते हैं, इसी से आपकी सूझबूझ बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ रिश्तों को ही ना संभालते चले जाएं, अपने कामकाज की ओर भी ध्यान दे लें। ये समय आपके लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को बेकाबू ना होने दें। ऐसा ना हो कि कोई बात बढ़ जाए और आपका नुकसान कर जाए। तो कभी कभी छोटी छोटी बातें बेकाबू हो जाती हैं और उसके बाद वो हमें ही नुकसान पहुंचाने लगती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को बड़ी बनने ही मत दीजिए, यही सही तरीका है। आगे सवाल है, और सवाल जिनका है उनका नाम है पंकज पी देश पांडे। आपका सवाल है, डेट ऑफ बर्थ 2/8/1968, नागपुर में जन्म हुआ है, 2:45 पर दोपहर बाद। कब तक नौकरी मिलेगी, पिछले 11 महीने से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और जो आर्थिक स्थिति है वो कब तक बेहतर होगी। पंकज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की मई 2017 तक। 11 महीने हो गए जॉब तलाश करते हुए, लेकिन जॉब नहीं मिली। जॉब तो आपको आने वाले एक महीने में मिल जाएगी। ये और बात है कि वो शायद उतनी अच्छी ना लगे आपको, फिर भी उस जॉब से जुड़े रहिए और आगे चल के आपको एक बेहतर जॉब का मौका मिलेगा जी। वो समय है नवंबर दिसंबर 2018 में, उस वक्त बेहतर जॉब भी मिल जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, तो सारी चीज़ें फिर आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो अगले एक महीने में ही आपको नौकरी मिलने जा रही है, और उसके बाद नवंबर दिसंबर 2018 में नौकरी में बदलाव आ रहा है, यानी स्थितियां बेहतर से और बेहतर की तरफ ही हैं, इसलिए चिंता की अब कोई बात नहीं है। आगे तुला और वृश्चिक राशि, चिंता की कोई बात रहेगी भी नहीं अगर हम रहेंगे आपके साथ। ये हमारा विश्वास है कि हम आपके जीवन में कुछ खुशियों के क्षण जोड़ेंगे जरूर ज्योतिष गुरु की मदद से। तो आपके लिए क्या है उनके पास, इसे ध्यान से सुनिए। तुला राशि वालों के लिए हालात ठीक है अगर आप ऐसा समझ लें और कबूल कर लें, लेकिन आपने अपने मन को बहुत भटका रखा है, इसी वजह से आप उतने खुश नहीं हैं। कामकाज की ओर आपका ध्यान फिर भी बना रहे। क्या करना चाहिए समय में, कारण कोई भी क्यों ना हो नुकसान से तो बचना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा उदारवादी हो जाना भी नुकसान का एक कारण बन सकता है, इसलिए थोड़ा और संभलना होगा। क्या ना करें समय में, रिश्तों को संभालने में कोई गलती ना करें, अपनी कमियों को भी नजरअंदाज ना करें, अपने मन में बढ़ते हुए तूफान को तो थामना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर परेशान रहेंगे तो उसका असर आपके कामकाज पर आ जाएगा, और कामकाज में मन नहीं लगेगा तो उसका असर आपकी जिंदगी पर आ जाएगा। खुश रहना भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में, पैसे की स्थिति अच्छी है इसी बात से संतोष कर लेना चाहिए, और थोड़ी विनम्रता के साथ अपने कामकाज से जुड़े रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को साथ ही साथ संभालते रहें तो जीवन का सुख बना रहे। क्या ना करें समय में, अपने खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि परेशानी पैदा हो जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर अपने फैसले बिल्कुल ना करें, थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत उत्तेजना में कोई फैसले मत लीजिए, धैर्य के साथ जिंदगी में फैसले लेंगे सुखी रहेंगे आप।
धनु और मकर राशि, जिंदगी में देखिए धैर्य सुनने में बड़ा कॉमन सा शब्द लगता है, लेकिन 50 मर्जों की दवा है धैर्य। जब हमारे अंदर धैर्य होता है हम शांत रहते हैं, और जब शांत रहते हैं जिंदगी को बेहतर ढंग से लेते हैं और तब सही फैसले भी करते हैं। आप क्या करें क्या ना करें वो देखते हैं। धनु राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है और काम की स्थिति भी ठीक ठाक बनी हुई है। पैसे को लेकर फिर भी कुछ मन में असंतोष बना रह सकता है क्योंकि आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं। इन्हीं कारणों को समझना होगा, उन्हें संभालना भी होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में अपने फोकस को थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत है ताकि आपका मन लगा रहे। ऐसा करने से आपका भटकाव काबू में आ जाएगा और हालात बेहतर नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये भी जिंदगी में कर लेना बहुत जरूरी होता है। क्या न करें समय में? ऐसा न सोचें कि घर परिवार में कोई कमी है। ऐसा भी न सोचें कि उनकी जरूरतें ज्यादा हैं। अपने ही मन में बहुत ज्यादा विचार बनाकर अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारा असमंजस है। कुछ ऐसी छुपी हुई परेशानियां भी हैं जिन्हें आप उजागर भी नहीं कर पा रहे। रिश्तों का झुकाव भी उसमें शामिल हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज की ओर ध्यान देंगे तो बाकी सारी चीजों को संभालना आसान हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी तरह की कलह से तो बचना ही होगा ताकि बात संभली रहे। क्या न करें इस समय में? पैसे को अपने कामकाज का या उससे जुड़ी मेहनत का आधार बिल्कुल ना बनाए और अपने काम की सच्चाई और अच्छाई में किसी भी तरह की कोई कमी भी ना आने दे। यही चीज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देगी। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु अब करने जा रहे हैं आगे की बात। तो कुंभ और मीन राशि अब आपकी करेंगे बात। तो आज का दिन अब दस्तक चुकी दे चुका है, आप उसके स्वागत के लिए कितने तैयार हैं? तो कैसी परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें उसे नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों को रिश्तों की अच्छाई की ओर भी देखना होगा। सिर्फ अपने मन में परेशानियां बढ़ा लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस बात को समझ लें कि हालात आपके साथ हैं, आपके खिलाफ नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की चुनौतियां बनी रहना एक बड़ी सच्चाई है। जितना इस बात को कबूल कर लेंगे उतना ही उसे संभाल पाएंगे। वैसे भी किसी तरह का खतरा मोल लेने से तो इस समय बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि तकदीर ने आपके लिए कोई कमी रखी है। आपने बहुत कुछ हासिल किया भी है और आगे भी करेंगे, बस थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखें। ऐसे में अपनी ओर से कोई गलती कर लेना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले अगर अपनी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे तो परेशानी पैदा होगी, और अपने मन में थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ आसानी से काबू में आ जाएगा। इन दोनों चीजों का फर्क समझ लें, जिंदगी का रास्ता तय करना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज में बनती हुई अच्छाई में लोगों के योगदान को भी समझें। ऐसा कर लेंगे तो मन में बढ़ती हुई परेशानी को थामना भी आसान हो जाएगा और बहुत जल्द आप उन दुविधाओं से भी निकल जाएंगे। क्या ना करें समय में? हर छोटी बात को बड़ी समस्या के रूप में ना देखें। ये समझ लें कि जो कुछ भी अपनी कोशिशों से संभाला जा सकता है वो समस्या नहीं है। इस तरह की सोच से आगे बढ़ने से फायदा होता है। तो कोशिशों में वो ताकत है कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो आप उसे संभाल सकते हैं, उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो जिंदगी में तमाम ऐसे असंभव हैं जिनको आप संभव में बदल सकते हैं सही तैयारी से सही सोच से। तो आपके तारे में हमारी कोशिश यही हमेशा रही है, आगे भी यही रहेगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचें, बहुत खूबसूरती से पहुंचें और फिर याद करें वो टिप्स ज्योतिष गुरु आपको देते हैं अपनी आसान सी जुबान में। अगर कोई समस्या है कोई शंका है आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे @aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज का सफर यही रुकता है, लेकिन कल इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ फिर लेकर हाजिर होंगे आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।